हाय एवरीवन, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSS पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है। जून एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हमारी प्रेफरेंसेस शीट जो है हमें भरने को मिल सकती है, मतलब कि हमारा फेज़ टू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। देखो, इस सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूँगा प्रेफरेंस लिस्ट की, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट की बात करूँगा। और प्रेफरेंस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, एक की इंग्रेडिएंट होता है यार, जैसे हम कुछ भी डिश बनाते हैं उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, वही चीज़ मैं इसके लिए डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रेफरेंस शीट बनाते वक्त आपको एक्चुअली ध्यान क्या रखना है, क्या वो मसाला है जिससे एग्जैक्ट एक बहुत टेस्टी बहुत शानदार आप जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। यार देखो, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की बात करूँ, जो हमारा फेज़ वन है, ये फेज़ वन हमारा 14 जून को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 14 जून को कायदे से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी जो हमारा फेज़ टू है, इस फेज़ टू में हमें प्रेफरेंसेस डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये फेज़ टू हमारा कब स्टार्ट हो रहा होगा? फेज़ टू हमारा स्टार्ट हो रहा होगा जून एंड में, ठीक है। उसके बाद जो है हमें फेज़ थ्री देखने को मिलेगा। और ये फेज़ थ्री क्या है भाई? फेज़ थ्री के अंदर हमें जो है फ्रीज़ करना होगा, हमें अपग्रेड करना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जो है करनी पड़ेगी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ योर प्रेफरेंस लिस्ट। इस प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते वक्त कितना क्या ध्यान रखना है? यार देखो, आप लाख किसी को कितने भी पैसे दे देना, ठीक है, अंत में आपको ही बैठ के आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये जो की है ना, ये की क्या है? ये की है हमारी कोर्स, ध्यान से समझ लेना इस बात को, कोर्स वर्सेस कॉलेज के बीच में। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट जब आप बनाओगे भी, मैं एग्जांपल लेके इस बात को बहुत कायदे से समझाऊंगा, आपको तृप्त कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि यार अब मान लो मैं फोर्थ नंबर पर जो भी कॉलेज रखना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंस किसको दूँ, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू को दूँ या कोर्स को दूँ, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। यार देखो, ये जो चीज़ है ना, कोर्स वर्सेज कॉलेज वाली, बहुत ही सब्जेक्टिव जो है चीज़ है। और इसको ध्यान रखते हुए मुझे एक कोट याद आ रहा है, बहुत फेमस कोट है कि ना, ज्ञान हमेशा से किताबों से मिलता है। ध्यान रखना है इस बात को, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, ज्ञान हमेशा से किताबों से ही मिलता है, बट जो तजुर्बा है ना वो महफिलों से मिलता है। और ये ज़िंदगी जीने में ना सिर्फ तजुर्बा ही काम आता है, ज्ञान जो है ठीक है हमारे पास होना चाहिए, बट तजुर्बा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कोर्स वर्सेस कॉलेज है ना, ये जो तजुर्बा आपको मिलेगा, ये आपको कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? ये मिलेगा आपको कॉलेज से। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्स को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो और बिल्कुल ही बेवकूफ़ी कर दो, नहीं, बट एक ब्रांड वैल्यू, एक एक्सपोजर, आपका लाइफस्टाइल, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो एक ब्रांडेड कॉलेज में मिलेगी, वो एक कोर्स का अगर आप प्रेफरेंस देते हो तो हो सकता है वहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिले। इस बात को समझने के लिए बहुत कायदे से समझना पड़ेगा। यार देखो, अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज जो है ना, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करने में 70% तक रोल निभाएगा, और वहीं जो कोर्स है वो आपका 30% तक रोल निभाएगा, इस बात को समझना पड़ेगा। यार कॉलेज के लिए अगर आप जाते हो, कॉलेज ऑप्ट करते हो कोर्स से ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले टैग, यार ये किस कॉलेज से पढ़ा है? ये स्टीफन से पढ़ा है, ये SRCC से पढ़ा है, ये सुखदेव से पढ़ा है, ठीक है। वो टैग लाइफस्टाइल, पूरी लाइफस्टाइल आपका बदल देगा और पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। देन उसके बाद आपको जो एक्सपोजर मिलेगा मेरे भाई, जितना ब्रांडेड कॉलेज उतने वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, उतने शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगी, बहुत अच्छे एक्सपोजर मिलेगा। तीसरा, आपको प्लेसमेंट बहुत बढ़िया वहाँ पे देखने को मिलेगी, अच्छे कॉलेजेस के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो लाइन लगा के आ रही होती है और पिछले कई सालों से आ रही होती है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल जाएगी, ठीक है। और देन आपको क्राउड जो मिलेगा वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा एम्फोसाइज करके समझेंगे। यार देखो, अगर आप एक ही थाली के कोर्सेज उठा रहे हो, एक ही थाली से मेरा मतलब है, मान लेते हैं आपने BCom ऑनर्स ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, आप जो है BMS करने के भी लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आप ECO ऑनर्स करने के लिए भी एलिजिबल हो, और सब में आपके नंबर आ रहे हैं, तो अब ये तीनों ही कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हो, तीनों के लिए आप एलिजिबल हो, तो प्रेफरेंसेस लिस्ट जब आप बनाओगे ना, तो मान लेते हैं आपके पास एक तरफ है कि आपको SRCC से जो है BCom ऑनर्स भरना है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको जो है दीनदयाल से BMS करनी है। तो इस केस में मेरे भाई, SRCC से अगर आप BCom ऑनर्स करते हो तो फार बेटर रहेगा कि आप दीनदयाल से BMS करो।
इसके पीछे का कारण ये है कि SRCC की टैगलाइन आपके साथ रहेगी और कंपनीज ऑलमोस्ट उसी लेवल की आनी है भाई। दीनदयाल में जो पैकेज आपका BMS उठा के लगना है, ऑलमोस्ट उतना ही पैकेज या उससे लाख गुना बेटर पैकेज आपका SRCC BCom निकाल के दे देगा आपको, और वो टैग जो आपके पास रहेगा उस, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बात आ रही समझ में यार? अगर लेकिन आपने, और अगर आप इनके कोर्स को उठा के देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही कोर्स है, एक ही थाली के कोर्स है। बात आ रही समझ में? ऐसा नहीं है कि कोर्स ही बिल्कुल अलग है कि भाई BMS हो गई और बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस हो गई या फिर फिजिक्स ऑनर्स हो गया, तो ये तो पलड़ा ही बिल्कुल अलग हो गया ना। आपके लिए थाली में अगर एक कोर्स है तो वहाँ आप जो है कॉलेज को महत्व ज़्यादा देना, अपनी प्रेफरेंसेस बनाते रहे। हालांकि इस चैनल पे मैं प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, प्रॉपर कोर्स वाइज आपकी जो है प्रेफरेंस लिस्ट अभी कुछ दिन के अंदर अपलोड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, क्योंकि उन लिस्ट को जब आप सामने रखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ अब मैं ठीक है। अगर मेरे पास BCom की एक लिस्ट सर ने मुझे बना के दी हुई है टॉप से लेके बॉटम तक, और एक तरफ मुझे BMS की बना के दी हुई है, तो मैं किसको ऊपर नीचे, किसको ऊपर नीचे करके अपनी प्रेफरेंस बनाऊँ, ठीक है? ये बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बाकी मैं एक सेंट्रलाइज प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको दे दूंगा, बहुत अमेजिंग प्रेफरेंस लिस्ट वो होने वाली है, ठीक है? अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि भाई SRCC से और दीनदयाल से आप यहाँ पर अगर SRCC करके निकलोगे तो भाई आपकी जॉब बहुत नेक्स्ट लेवल निकल सकती है, ठीक है? मतलब बुक से उतना ज्ञान थोड़ी ना मिलना आपको मेरे भाई। बात आ रही समझ में? एक्सपीरियंस आपके पास नेक्स्ट लेवल होगा कि भाई SRCC की टैगलाइन आपके पास होगी। तो ये स्मार्ट तरीका होता है भाई आपका जो है प्रेफरेंस बनाने का, ठीक है? लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपकी ब्रांच ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई, ठीक है, आपकी ब्रांच बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई है, जैसे कि मान लो आपने जो है एक तरफ BCom ऑनर्स ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपने जो है BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स आपको ऑप्ट करना है, तो इस केस में तो कहानी ही पलट गई ना। और आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो कि सर मुझे जो है BCom जो BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ही करना है, मेरा पैशन वहाँ निकल के आ रहा है, तो इस केस में तो भाई अगर आपका पैशन है ना तो आप कहीं से भी कुआं खोद के पानी निकाल सकते हो। बात रही सुनने? तो पैशन वाली चीज़ ये अलग होगी, ब्रांच की बात ही अलग होगी, ठीक है? लेकिन हाँ, इसके अंदर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भी मत कर देना कि एक तरफ तो मान लो आप जो है BA प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हंसराज से, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको ऑप्ट करना है कि आपको वैंकी मिल रहा है, ठीक है, वैंकी मिल रहा है BCom ऑनर्स के लिए। तो यहाँ इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करना कि हंसराज के पीछे जो है वो BCom ऑनर्स ही ऑप्ट कर लो। ये आपकी जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको वैंकी जो है ये भी एक वेल स्टैब्लिश ब्रांड है और यहाँ पे कोर्स भी आपको बहुत अच्छा ऑफर हो रहा है, ठीक है? तो ये एक स्मार्ट अप्रोच होती है, ये एक स्मार्ट तरीका होता है अपने दिमाग को खोल के रखने का, ठीक है? लाख आप अभी देख लेना, हजारों वीडियोस आप देख लोगे, प्रेफरेंसेस ऐसे बना लो, प्रेफरेंसेस वो बना लो, चैनल पे हम भी प्रेफरेंसेस डालेंगे, बट एट लास्ट मेरे बात ध्यान से समझ लेना, बैठना आपको ही पड़ेगा। अगले एक दो दिन के अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है कोर्स वाइज सॉरी प्रेफरेंसेस डालता रहूँगा, उनको लिस्ट डाउन करते रहना, ठीक है? और जो भी आपका कोर्स होगा उसकी प्रेफरेंसेस अभी से बनाना शुरू कर दो, ताकि एंड टाइम पे जो है आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? कोर्स की क्वालिटी भी मैटर करती है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपको, कोर्स की क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली जो प्रेफरेंस बनाते वक्त हमारा थंब रूल होता है, हम वहाँ पे जो है ब्रांड, हमारे कॉलेज को थोड़ा सा महत्व देते हैं, बट यहाँ पे कोर्स को आपको किस लेवल पे आके देखना है, कहाँ आपको इंपॉर्टेंस देनी है, तभी मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए एक पॉइंट रखा था कि कोर्स जो है 30% मैटर करता है, 70% मैटर आपका कॉलेज ही करेगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, प्रेफरेंसेस में डालूंगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और टू द पॉइंट वीडियो जो है रेलेवेंट कंटेंट चैनल पे हम डाल के रखते हैं और आगे भी आती रहेगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड टेक केयर।